जज्बा चाहिए हाँ। जुनून मैं, चाहिए, मैं पैशन रिव्यूज के लिए संभाल के रखना चाहती हूँ आमना इंट्रो की गेम है सारी इंट्रो में एक इंट्रो सेट हो जाती है टोन सेट हो जाती है आपने अपने इंट्रो, इंट्रो पे वर्क करना है आमना आपने अपने इंट्रो पे वर्क करना जी ठीक ठीक है, थीक है, मैं अगर, आगर, ह... अगर अगर हम अपनी अपनी वीकनेसेस अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो मैं, मैं मेहनत करूंगी हसन, आप फिक्र करें आप करें अगले अगले हफ्ते तक अगले इंट्रो तक आपने इंशाल्लाह बेहतर करना और फिर इंशाल्लाह जब मैं कराची आ जाऊँ आपने एक हफ्ता करने से बिल्कुल ठीक है आपका इंटर हमने पक्का कराना इंशाल्लाह <laughs> और टॉप इंग्रेडिएंट क्या पैशन पैशन नजर आना passion. चाहिए पैशन पैशन इज मिसिंग पैशन राइट 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 आम ना, गर्मी ना मेरे सर को चढ़ गई है मैं सुनने हाँ <laughs> मुझे लग रहा है मुझे सर दिमाग को चढ़ के यहाँ पे ना

ट्री प्रोजेक्ट तो किया है मिलियन ट्रीज तो लगाए फिर मैं छियालीस डिग्री भी एट्रीब्यूट कर सकता हूँ को आप, अपने उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं नहीं मैं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ मैं, <laughs> मैं सारी उम्र रह के गया हूँ जेलम मैंने मैंने एक और चीज रियलाइज की अपने बारे में जी मैं ये रियलाइज किया कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं आई एम मोस्ट एट होम व्हेन आई एम इन जेलम मतलब मैं really? जो, जो मेरी असली जो असल मेरा जो शख्सियत निकलती है ना बाहर हाँ, हाँ। जो मैं हूं असल हाँ। में वेयर आई फिट इन दैट जेलम दैट्स माय दैटम दैट वेरी गुड That's yeah. very good, huh? That you connect with your roots so well. ये जो मैं करता हूँ अपने Insta Insta पे मैंने जो शोगल मेला लगाया है, I I enjoy doing it mm. when I'm in जिल्म. I don't know. When mm. I'm in Karachi, I feel like an outsider. Really? Yeah. And yet you've lived here all your life. I've lived most of my life in Karachi. Yes. Right, right. You could It's... even call. मैं तो अपने आप को इस वक्त DC आईट भी समझ सकती हूँ. <laughs> 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 मैं इतनी फिकल हूँ. <laughs> दो हफ्ते रहने के बाद.

मेरे हाँ। और आप में ना बेसिकली वही फर्क है जो जेलम और स्कॉटलैंड में ये सी और मैं आपको बताती हूँ मैं हूँ इसलिए मैं हूँ ठंड की पैदाइश ठंडे मिजाज की आप हैं फोर्टी फाइव डिग्रीज मैं फोर्टी फाइव डिग्री ये अच्छा इसलिए आप हाँ ये बिल्कुल सही बात है वैसे हमारी मतलब ये तो है बॉटम लाइन है कि जहाँ आपका बचपन गुजरा होता है ना वहाँ आपकी सबसे प्यारी यादें होती हैं है अगर हम ना आपने बड़ा अच्छा है आपका आपसे ठंडी जगह पर लेकिन काफी साल गुजारे हैं ठंडी जगह में जुलाई में हूँ चौबीस जुलाई को इतनी तप्ती साल अम्मी को क्रेडिट थैंक यू अम्मी वेल डन जॉब <laughs> वो मैंने अपने दोनों बच्चे किए थे कि मतलब कि कम या या हो। तो uh, March is, is a good month, जो मेरा है और स्प्रिंग है तो इसलिए मैं हूँ भी ऐसी अच्छा, you know, <laughs> हरे, हरे पत्ते की तरह तो <laughs> ये कहीं और निकल रही है तो हम वापस जी. आते, हम वापस आते जी. हैं। हमारे पास बहुत से ड्रामे हैं हसन आप बिल्कुल फिक्र ना करें हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छह सात ड्रामे हैं माशाल्लाह इस हफ्ते और आपने किसी ड्रामे पे फंस नहीं जाना आपसे सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सात कौन से हैं है जरा जी आपके पास पिछले हफ्ते के दो बचे हुए ड्रामे हैं दुश्मन और मोर महारा बिल्कुल ठीक है फिर आपके पास एक किस्त है इनटॉलरेबल सी मेरे हम सफर की जिस पे आपने वक्त ही ठीक मैं लगा, आपको आपको है।, अच्छा, चलें, चलें। है फिर हाँ। आपके पास है, जी किस्त की जो बहुत है। आपके पास दो एक साथ हैं मेरे हमनशीन नशीन की छे। एक एपिसोड है बड़ी स्ट्रॉन्ग आपके पास फ्रॉड की और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एपिसोड है संगम माँ की सारा रिव्यू तो मैंने कर दिया है अच्छा

शुरू करना चाहेंगे आज आज आप आपके आपके नाम किया, आज की नाम की तो तो क्योंकि हमने मेरे हम सफर के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा नहीं। नहीं। एक एक्सपर्ट दाई की तरह आपकी नजरों में <laughs> ये हालांकि मुझे ये लगा कि हाला ऐसा नहीं करेगी लेकिन आमना मैं आपकी दाद देना चाहूंगा नहीं क्या? हाला क्या नहीं करेगी हाला हमजा दोनों ने किया है मतलब, <laughs> मतलब हाला क्या नहीं करेगी <laughs> हाला इस वजह से नहीं बेहोश होगी मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसा लगा नहीं, लेकिन आमना नहीं। आप छा गई हैं आपकी आपकी एक आपकी एक एक आप, आपका विजन है प्रेगनेंसीज uh, को लेकर ना एक रेजिडेंट भाई जी वो तो मैं ही हूँ बड़ा आपने जबरदस्त कैसे आमना क्या कहना चाहेंगे आपको क्या इंडिकेशन मिली थी

Hmm. तो वो रोमांस की तो अब आप इख्तिताम हो चुका है बिल्कुल उस रोमांस का अगले एपिसोड hmm. में तो बिल्कुल like, hmm. like, hmm. right? ही द इट विल लाइक फिनिश बट इवन नाउ इट्स फॉर मी इट्स ओवर दैट दो स्टेरी मोमेंट्स हनीमून पीरियड इज ओवर लाइक क्वाइट लिटरली राइट हनीमून पीरियड इज ओवर और एट द एंड ऑफ द डे मेरे हमसफर इज वही थका हुआ धकियानुसी एंड टू बी ऑनेस्ट क्वाइट इनटॉलरबल दिस एपिसोड एंड नाउ द कंटिन्यूएशन

पेरेंट्स मैरीहर ऑफ टू दिस बॉय हुली नो बैक स्टोरी उन्होंने उसका घर भी नहीं देखा जाके चलो अगर बंदा मान लेके जी माँ बाप की वफ़ात हो चुकी है डिग्री है उसके पास नौकरी उसको मिल गई है ही डू वेल इन लाइफ एज द गर्ल्स पेरेंट्स वुडेंट यू ब्लड टू गो एंड सी वेर ही लिवस एट लीस्ट एंड यूर गिविंग योर डॉटर टू दिस गायज एन एडअप इट्स जस्ट इट्स रियलीट्स एक्चुअली वेरी वेरी इमेचर राइटिंग अनफॉर्चुनेटली So yeah, well, let's just move on Unless you have something to add to this No, I think you've summed it up correctly And uh, yeah. it's quite disappointing The turn that uh, Mere Hum Safar has Very taken disappointing. Very disappointing uh, And the title you had put Hala and Hamza's romance Is not enough Certainly not And now Not enough anymore It's over, absolutely If romance a romance hota na, to Hala bata chuki hoti, Hamza

दुश्मन दुश्मन की हमने पिछले हफ्ते किसने रिव्यू की थी इस तो क्योंकि ड्रामे वो भी हमारे पास माशाल्लाह वीक, वीक वीक में भी बहुत सारे ड्रामे इकट्ठे हुए हैं इस एपिसोड ये वहीं से शुरू हुई जहाँ पे वो बारिश जाता है वहां पे और वो जो दूसरा बॉय है वो उसको ऑब्वियसली सेफ पैसेज दे देता है और उसको कहता है घर चले जाओ और मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने वहां पे खींचा नहीं क्योंकि उसका पहले मुझे इनिशियल रिएक्शन और लगा दूसरे बॉय का कि उसने गन निकाल के तान ली हालांकि वो अपनी माँ को यही कहता है कि दुश्मनी खत्म करे तो अच्छी बात है कि वो वारिस को ये कह देता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि दुश्मनी खत्म करे लेकिन जिस डगर पर ये पहुंच चुकी है लेवल ऑफ इंटेंसिटी जो हमारी दुश्मनी का है ये खत्म हो नहीं सकती तो तुम इसी में हिमत जानो तुम्हें घर जाने दे रहा हूँ तुम चले जाओ

यू you नो know, तो मेरे ख्याल है कि जैन जो है उसको पता है और ही uh, पीस इज़ नॉट श्योर मे बी बट है तो अगेन sure so हसन ये बड़ी बड़ी मेच्योर राइटिंग है दूसरी चीज है कि जो हमारे लिए एक गायबाना कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है सोनी का अब मुझे ऐसा लगता है कि सोनी जो है उसका क्या उसका और जैन का कोई

वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है उस, उस थोड़ी सी एक है वो हाँ, हाँ। जो एक नेचुरल फ्लो होता है ना कहानी का और डायलॉग्स का वो किल कर देता है वो कि वो बहुत ही उसमें जी, चले जाते हैं हर वक्त के मोहब्बत तो अपना राह ढूंढ लेगी और दुश्मन ले हाँ, को तो खत्म कर ही देती है वो दूध की इसकी माँ का जो वारिस की माँ का रिएक्शन था कि तुम चले गए भीख मांगने

मलकानी सा के हुक्म पे लेकिन वो उसको बचा लेता है वारिस उसको बचा लेता है कि दुश्मन है, execution है, अच्छी अच्छी हुई जैसे आपने कहा। के जो हैं कुछ कुछ नहीं। स्टोरी टेलिंग जो है वो इंटरेस्टिंग है एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया सा ये है कि वो मोड़ महारा का हम एक ड्रामा देख रहे हैं और मोड़ महारा मोड़ महारा तो एक को मैंने सोचा मैंने कहा मोड़ महारा तो नहीं देख रहा नहीं, नहीं।, दुश्मन नहीं देख रहा हूँ हाँ। तो, अच्छी बात यह है दुश्मन की और बाकी हमारे सारे ड्रामे जितने भी हैं कोई भी ड्रामा सवाए मेरे हम सफर के साफ बहु डिपेंडेंट नहीं है फॉर फॉर यू नो द स्टोरी सो दैट्स अ गुड थिंग जो की बड़ी विक्ट्री है भाई हमारे ड्रामों की बड़ी बड़ी विक्ट्री है ड्रामों की जी बिल्कुल 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 तो हमने मोड़ा तो आप मारा आ जाए मोर मोर महारा पे आ जाए फिर मोर महारा पे आ जाए कंटिन्यूटी के इश्यूज अपनी जगह जो कि हमारी प्यारी सोनिया के बाल जो थे वो क्या ससी थे ससी के जो बाल थे वो बाहर थे अपने क्रिम्प हुए हुए और अंदर थे परफेक्टली ब्लो ड्राइड हाँ रूही ससी नहीं रूही रोही 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 हाँ, के बालों रोही, को छोड़ के और और एक जगह उन्होंने क्या किया फिर कि वो जो भी हुए हुए थे उसको उन्होंने ब्लर कर दिया वो इफेक्ट डालने के लिए दे नोटिस किया आपने हाँ। वो स्क्रीन ब्लर कर दी ताकि पता ना चले कि बाल जो है वो क्या हुए हुए थे बाल बहुत ही बहुत आई थिंक ड्रामा स्ट्रांग है यार नहीं आपका क्या ख्याल कहानी अच्छी है नहीं ड्रामा ड्रामा स्ट्रांग है लेकिन थोड़ा सा ड्रामा जो है ना उसको उसकी कहानी को स्ट्रेच किया जा रहा है एक तो ये है कि जो गर्देजी साहब का मुजरा सीन था शुरू में मुझे लगा कि थोड़ा सा लंबा हो गया था इट मेड मी रिल अनकम्फर्टेबल अगर नहीं। वो इसकी जरूरत नहीं थी नहीं अगर आप दिखाना भी चाहते हैं कि गर्देजी साहब बहुत अयाश हैं तो एक दो सेकंड में आप ग्लिम्स दिखा देते या यू नो साइलेंट कोई चीज या कोई आर्टिस्टिक तरीके से बट वो अच्छा खासा मुजरा दिखाना पूरा आई फेल्ट टू फेल्टच इट मेड मे रिल आप उनको बाजार पे ले गए फिर फिर आप आप उनको उनको पे पे ले ले गए गए

सो द थिंग इज अबाउट मोर महारा कि आई एंड आई सस्पेक्ट यू इज़ वेल एंड मैनी अदर पीपल हु आर वॉचिंग आर मोर इंटरेस्टेड इन रोही एंड गर्देजी इज हेट स्टोरी बिकॉज इट्स गोइन टू बी अट स्टोरी राधर एंड रोही एंड सिकंदर इज लव स्टोरी मुझे सिकंदर और रोही के आपस में कोई कंपेटेबिलिटी नहीं लगती बिल्कुल भी मतलब तो एक तरफ वो बाप को कह रहा है कि मैं I don't know why I came फिर वो कह रहा है कि I know why I came I've fallen I think I'm in love तो वो I'm तो बच्चा ही मतलब है why I've stayed तो वो बच्चा मतलब बच्चा ही सही नहीं है उसको समझ ही नहीं है किसी चीज की रोही जो है वो बहुत grounded है तो मुझे उनकी आपस में मुझे कोई उनका जोड़ नहीं लग रहा दयामना को <laughs> लेकिन उन दोनों का जो है उनकी जो हेट स्टोरी चलेगी और उनके जो आगे से सारा कॉन्फ्लिक्ट uh, चलेगा उन दोनों के बीच में मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आई एम ऑल्सो मोर इंटरेस्टेड इन शाह आलम एंड बीबी रानी स्टोरी वो क्या माच रहा है हाँ कि वो क्या वो क्या माच रहा है कि वो ड्राइवर है लेकिन नहीं भी है लेकिन क्या है वो

ग्राम में घर देख रहे होते हैं लोकेशंस देख रहे होते हैं बहुत ही एक तरह की होती है काफी से 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 हम देखते आ रहे हैं तो ये उस तरह से उस तरह हिसाब फ्रेश है आ, पानी वाली जो बात है इसमें भी उन्होंने उसके बीच में पॉकेट्स में वो डाल देते हैं कि यार ये इशू चल रहा है बट असल मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है लेकिन अब आएंगे अब आएंगे अब अगले एपिसोड में आएंगे बिकॉज अब वो गुदेजी साहब का क्लिप चला है हमें पता चल गया कि जी रोही सिर्फ रोही नहीं है रोही ग्रुप ऑफ कंपनीज है मतलब है कि, तो वो रोही जो है वो काफी एंटरप्राइजिंग है तो मुझे लगता है अगले में इनका अपना आमना सामना होगा नहीं अगले में तो होगा ना अब शिकार करते हुए जब गोली चलाएगा और रोही जो है के साथ पे खेल लिया लूडो या जो भी हॉप स्कॉच स्कॉच होपस्कॉच नहीं, नहीं खेल रही हसन, नहीं खेल रही रही हसन है जो भी खेल रही है वो वो उसको जब गोली के वाद आती हाँ, काली पहन घूमती है और फिर अगली अगली एपिसोड में वो अपनी गन भी निकाल लेती है और तान देती है गर्देजी पे तो शायद गर्देजी को ये पसंद आ जाएगी मेरे ख्याल है गर्देजी क्योंकि नियत का तो बुरा दिखाई है आपको इस एपिसोड में तो ये भी हो सकता है

जी हमने तीन ड्रामे भड़का दिए तो लेट्स मूव ऑन टू जी मेरे हम नशीन चौथा ड्रामा आ, क्या कहना चाहेंगे आप मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार अगेन मैंने इस हफ्ते आई पहली किस्त नहीं देखी दूसरी किस्त देखी तो मुझे ये हुआ कि मैंने कुछ मिस आउट नहीं किया फिर मैंने जाके इस हफ्ते आई पहली किस्त भी देखी तो आप दोनों किस्तों देखने के बाद मेरी एक ऑब्जर्वेशन और मैं चाहता हूं कि आप आज इस मुद्दे के ऊपर बात करें मैंने इस बार दोनों एक साथ को बड़े क्लोजली देखा और मेरी असेसमेंट यह है कि एक बात जो हम एक्सेंट्स को लेकर वो कर रहे हैं नो no डाउट वो हम बार-बार बात भी बार कर चुके हैं और no नो डाउट एक एक्टर की परफॉर्मेंस में एक्सेंट भी एक बड़ा वाइटल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेकिन मैंने इस बार ये बड़ी गहराई में नोटिस किया कि यार हिबा ने बहुत अच्छी अदाकारी की एज दिस कैरेक्टर क्या नाम है गुले गुले या ठीक है एक्सेंट अगर आप नंबर देना शुरू कर दें दस मार्क्स फॉर एक्टिंग दस मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन दस मार्क्स फॉर एक्सेंट दस मार्क्स फॉर बॉडी लैंग्वेज दस मार्क्स फॉर स्टाइलिंग वो सारे आप दें तो आप एक्सेंट के दस नंबर काट दें हिबा की

और स्टिल शी हैज़ द विल टू स्टडी मंगनी उसकी की भी है बट शी इज़ डिफाइंड इन फ्रंट ऑफ हर फ्रॉन से वो बिल्कुल वॉल फ्लावर नहीं है वो mm -hmm. बिल्कुल दबी भी नहीं है वो बिल्कुल रो नहीं रही क्योंकि हम हर दूसरे ड्रामे में ये देखते हैं कि लड़की कहती है मेरा कसूर है मेरी किस्मत है मैं ही बदनसीब हूँ ऐसा कुछ नहीं कर रही खुजस्सा सो शी इज़ अ वेरी वेरी इम्प्रेसिव कैरेक्टर एंड आई थिंक ग्रेट जॉब एब्सोलूटली यूर राइट और वो जो सीन था ना वेयर हसन मदर कॉल्स हर इन और वो उसको अपोलॉजी करना है मेरा यार मेरा दिल बड़ा फिक्शनल है बट मेरे दिल को बड़ा वो हुआ यार कि ये बिचारी जो एग्जैक्टली exactly जो आप बात कर रही हैं कि ये बिचारी बच्ची आई भी है एक बड़े यू इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एंड लॉर्ड ऑफ चैलेंजेस ये आके अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है और जो भी ये अपना चाह रही जो भी इसकी मोटिवेशन है उसमें उसको ये अपोलॉजी भी करनी पड़ी एंड स्टिल शी इज एबल टू डू इट बिकॉज़ शी अंडरस्टैंड्स एंड शी रियलाइजेस तो ये कैरेक्टर उसमें भी है ये भी है बिल्कुल और दूसरी चीज ये भी है कि वो लड़की बड़ी ऑनरेबल दिखाई हुई है कि उसने माफी मांग ली हर चीज और आप देखें जब उसको लेने आता है उसका लाला और अपना दरग नाम है हीरो का

ऐसा भी नहीं है कि उसको हाँ। चढ़ाई करने दे अपने ऊपर तो ये अच्छी बात नहीं, है नहीं नहीं, नहीं। ये, ये अच्छी बात है जो वर्स्ट सिनेरियोस था ना इस पूरे दो एपिसोड्स में वो वो एक सीन था जब आ, क्या नाम है उस कैरेक्टर का आम, क्या नाम होता है उसका मेहरबानों का कैरेक्टर क्या है सनोबर और शानजे हाँ. सनोबर और शानजे जब बैठ के बात कर रहे होते ना आई थिंक दोस्त परफॉर्मेंसेज वर द वीकेस्ट हाँ एक तो वेन सनोबर, बिकम्स आपकी आपको म्यूट करने को दिल जाता है ऊपर से वो जो सारा है ना वो थोड़ा सा ओवर हो गया था सारा नहीं नहीं कई लोगों के दस से ज्यादा काटने पड़ते हैं बिकॉज उनके अदरवाइज कैरेक्टर में कुछ है ही नहीं

साल तो हो ही भी होंगे, hmm. hmm. एक hmm. औरत जो इस तरह की शादी में मुंसलिक है जहाँ पे उसका hmm. जो हसबेंड है वो एक टाइम पे उस पर hmm. जान छिड़कता था और उसको ये कहता था कि मैं तुम्हारे hmm. और अपने बीच में किसी तीसरे को आने भी नहीं दूंगा

मतलब ठीक है, है दिखा सकते हैं कि वो अपसेट है वो मियाँ से लड़े वो बाकियों से लड़े वो अपने आप को निगलेक्ट करे मियाँ को कर। मतलब कुछ भी मगर ईवल एक्ट करना हर इंसान ऐसा नहीं होता और ड्रामा में दिखाते हैं कि जब किसी पे बुरा वक्त आता है तो हर बंदा इवल हो जाता है मर्द पे बुरा वक्त आता है वो थप्पड़ अब आप देखें ना बैक टू मेरे हम सफ़र यार मेरे इर्दगिद तो कोई ऐसा मर्द नहीं है जिसको जितना भी गुस्सा आए तो वो औरत पर हाथ उठाए मगर हमारे ड्रामों में कोई जितना अच्छा मर्द भी हो जितना भी अच्छा मर्द हो उसकी आप लिमिट पुश करेंगे वो मारने के लिए तैयार हो जाएगा आई डोंट नो हु डोंड वाई आर वी ओनली पोर्ट्रेइंग पॉट्रीज मैन शी इज लाइक साइड लाइन और शॉर्ट और और हर्ट बिट्रेड वो इवल हो जाएगी वो मिडिल ग्राउंड ही कोई नहीं है बिल्कुल भी तो नहीं कह रही है कि नहीं. वो लाइन हमेशा क्रॉस करते हैं हमारे किरदार

लेकिन उस, उस बच्ची पे इल्जाम इस तरह का करना जहाँ सबको पता है इवन दो दरक जहीन के भी वो प्लांट करिए बट इवन दरक जहीन ने भी कभी इस नजर से नहीं देखा वो भी जब खाना खा रहे होते हैं वो हो भी कहता है कि जबकि अच्छा उसका, कोई है। that, you know, उसका कोई कसूर भी नहीं है द फैक्ट दैट यू नो उसका कोई कसूर भी नहीं है दैट लाला इग्नोर्स नेगलेक्ट्स हिज वाइफ इज नॉट खजिस्ताज फॉल्ट वो तो इस नजर से देख रही है ना कि मेरी रिप्लेसमेंट है भाई पागल ही है ना फिर मतलब

तो और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है दूर दूर तक न हादी में न हसन में न किसी और में सवाए पढ़ने में तो हादी जो है वो मुंह के बल गिरेगा लेकिन जहाँ हादी की बात हो रही है वहाँ आयमा की बात ना हो विदाउट मैं थोड़ा आएमा सा सॉरी मैं आयमा की आपने बात की मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ मोमिना की परफॉर्मेंस है तो नहीं लेकिन वो जो वाइड आइड एक उनका एक सीन था

और वो सीन को डिलीवर नहीं कर पाता वो एक्सप्रेशन आप यही देखते रहते हैं कि यार ये कितना एक्सप्रेशन है सो so, हाँ। आप क्या मैं यही कह रही थी मैं यही बात करने लगी थी एक्चुअली आंखों की कि it's, it's too, like, दूसरी चीज है कि अगेन हम एक ऐसा कैरेक्टर दिखा रहे हैं जिसको लिफ्ट नहीं मिल रही ये लड़का उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है और एवरेंट है इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन नहीं। वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई है तो आप डिग्निटी तो लोग ना औरतों की रहने देते हैं ना मर्दों की तो यहाँ भी आयमा की डिग्निटी जा रही है तो लेकिन जो बैडली कैरेक्टर और हसन ने स्लीव के अंदर वाई कैमरा डाला हुआ था तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए मैं समझी नहीं कि उसकी रिले क्या थी बाद में वो पब्लिश करेगा कि उसने रिकॉर्ड कर लिया ना टिकटॉक कैमरे कर ले फिर क्या हो सकता है वो तो ईवल शुरू से दिखाया हुआ है अच्छा हमने पिछले हफ्ते बोला था कि हम शायद ना देख पाए मेरे हमने चीन तो इस हफ्ते आपकी क्या नहीं मैं देख मैं इंटरेस्टेड हो गई हूँ वापस क्योंकि मैंने ये फैसला किया है कि जो ड्रामा जरा सा नॉर्म से हट के जिसकी स्टोरी है और एक घर के अंदर सास बहू की लड़ाई पे या प्रेगनेंसी और बेहोशी पे या मियाँ का शक और चपेड़ों से आगे ड्रामा बना है दैट लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट

हम देखेंगे और अगर कोई वीकनेसेस हुई तो डेफिनेटली पॉइंट आउट करते रहेंगे बट सो फार आई एम इंटरेस्टेड इनफ इन वाचिंग यू ठीक है ठीक है आमना जी Listen, आपने चार पांच चार ड्रामे फटका दिए हैं तीन रह गए हैं आमना क्या स्पीड आप तेजगाम की तरह जा रही हैं लेट्स मूव ऑन टू देन आमना संगेमा संगेवा या फ्रॉड संगेमा अच्छा ठीक है संगेमा

और हाजी मरजान इधर जा रहा है हाजी मरजान अवल खान से बात कर रहा है हाजी मरजान जरकुना के पास जा रहा है क्योंकि वो मुझे सही तरह से कन्वे नहीं एक चीज बस यही चीज आपको नहीं, क्या आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा लेकिन हाजी मरजान यही सोच के जा रहा है कि मेरे पे कत्ल का इल्जाम लग जाएगा जिसके में

जर संगा पे बात ना आए इसलिए हाजी मरजान अपने ऊपर बात ले लेगा एडमिट कर लेगा कि ये कत्ल मेरे से हुआ है और फिर उसकी जो भी सजा होती है कि उसको दरबदर कर दिया जाता है नहीं तो लेकिन जरगुना पहुंच रही है ना <laughs> यही तो मजा है नहीं, ये तो बट इट्स नॉट बट 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 इट्स नॉट इवन लाइक हाजी मरजान ने वहां पे जाकर इस तरह की कोई बात एडमिट की ही वाज साइलेंट ही वाज क्वाइट अभी तो हलमत ने उसको अपस्टेज कर दिया है और हलमंद को मस्तान सिंह ने अपस्टेज कर दिया है तो ये तो बड़ा खूबसूरत डायनामिक है लेकिन अगर आप पूरी एपिसोड की ब्यूटी को देखें तो यू नो द वे पीपल आर ब्रिंगिंग इन चार पाइज फ़ॉर द जिरगा जिस तरीके से जिरगा बैठता है जिस तरीके से हाजी मरजान अपनी पगड़ी बांध रहा होता है नहीं बनती उससे और साइमल्टेनियसली आपको दिखाते हैं कि मस्तान सिंह अपनी टर्बिन बांध रहा है और वहाँ उसकी शादी होने लगी है एंड द कलर वर्स इज द वाइट सो वेरी आर्टिस्टिक फिर जो पूरा सीन आप देखते हैं बिटवीन हाजी महर एंड अवल सिंह और एक जरा सा बिल्कुल मुझे अव्वल सिंह अव्वल सिंह खान सॉरी अव्वल खान जो है मुझे वो थोड़ा अनेसरी लगा कि इस बुढ़ापे में अव्वल खान की इम्पोर्टेंसी को लेके बात करने की क्या जरूरत थी वो बात नहीं मतलब है कि आई थिंक इट वाज नहीं उसमें उसमें उस एक चीज थी उसमें एक चीज एक बात तो ये थी कि अवल खान वाज इम्पोर्टेंट ठीक है दूसरी बात ये थी कि क्या वो असल में मारता था फिर जरगुना को या नहीं मारता था या जरगुना ने उसकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोला अगर आप यहाँ पे रख देते ना कि हाँ। वो इम्पोर्टेंट था और उसकी इम्पोर्टेंट जो भी इस वजह से उसको नहीं मारता था वो मारता था और फिर भी जरगोना ने उसकी लाज रखी और नहीं बताया लोगों को उसमें कमी क्या थी तो उसमें हमें खैर पता ये चला कि ऑब्वियसली जरगोना की जो ऑनरेबल कैरेक्टर है उसके बारे में पता चला

बट आई मीन अगर वो मारता था तो फिर really right? हाँ। तो हाँ। हाँ। anyway, जिरगा बैठा है तो वहां वो बदाम गुल के साथ मोटरबाइक पे चढ़ के जर्गी की तरफ चल पड़ता है वहां जब वो पहुंचता है और ऑलरेडी तीन केस चल रहे होते हैं जिरगे में पहला केस जो था की हिकमत ने हिलमन को मारा है वो हिलमन साफ कहता है कि जिसने भी मारा है मैंने उसको माफ किया थीज अभी लेना माफ किया आ, वो कहता है जिसने भी मारा है मैंने उसको माफ किया और वो तो अब्जॉल्व कर देता है अपने कातिल को लेहाजा जब मसान सिंह आके <laughs> करता है तो जिरगा कहता है कि अब तो इसको सजा हो ही नहीं सकती हिमन ने माफ कर दिया है तो वो जिरगा नहीं कहता है कहता है सजा जिरगा कहता है सजा होनी चाहिए पीर शाह कहते हैं बड़े कोई ना शार तो पीर शाह साहब जिरगे के हेड है ना उस वक्त वो कहते हैं कि हाँ। नहीं नहीं हो सकती बिकॉज वो तो ऑलरेडी एब्बोल्व कर चुका है तो ये बड़ा अच्छा ट्विस्ट होता है You know, ये way... है, ये लेसन 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 है ये वो है है वो कि विक्ट्री विक्ट्री से पहले ना आपने uh, अच्छा, you know, I mean, hmm. सिंह वहां खड़े हो क्या करेगा बिकॉज उसको अपनी मंगेतर के ख्याल आ रहा होता है कांस्टेंटली जो उसको कहती है तुम झूठ बोल देना बिकॉज दैट इज द राइट थिंग टू डू बग नहीं उसे बोला जाता वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल सकता और वो सच बोल देता है

और अभी भी वो अवेज ही कर रहा है ना अपने बाप के मर्डर को ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग डिसऑनरेबल तो ही कट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिगर एंड कम्प्लीटली ऑफ टॉपिक एंड कम्प्लीटली ऑफ एनी लाइक रिस्पॉन्सिबल और मच्योर क्रिटिक कैन आई जस्ट से दैट यार आर अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर अ मैन इज़ शूटिंग आउटसाइड इन द हीट एंड हैज नो स्टेन्स आई मीन

तो हाँ। इस केस में, मुझे हाजी मरजान अभी भी शिफ्ट लगता है Because अगर उसने खुद नहीं भी मारा तो उसने एक कत्ल को प्रोटेक्ट अपनी मतलब किया तो है अपनी बीवी को फिर किया है। या जो भी है इतना दूध का दुला हाजी मरजान भी नहीं है

और उससे पहले मरजान ने ही हिलमन को अपने बेटे की तरह पाला बल्कि हिकमत से ज्यादा प्यार देके पाला है और को, सच को नहीं और था ना? उसने कोई फर्क नहीं हाँ बट दो साल हुए हैं और सच कुछ भी हो सकता है ना वो उसकी अच्छा दो साल दो साल पहले, पहले। हाँ, हाँ तो नहीं मेरी सिंपति अभी भी है थोड़ी बहुत दोनों के साथ नहीं है लेकिन हाजी मरजान के साथ बिल्कुल नहीं है पूरी पूरी ठीक है आपकी हाजी मरजान के साथ बिल्कुल नहीं है

गुड गुड एपिसोड मुझे ये अच्छी लगी कि ये बार -बार रिफर कर रहे हैं उसको ये थोड़ा सा वो कर रहे हैं डिवेल्यू कर, है। कर रहे हैं साइड लाइन कर रहे हैं उसको मेनली लेके आ रहे हैं क्योंकि असल में तो ये लगा ना कि गग के ऊपर ये ड्रामा है उस प्रैक्टिस के ऊपर ये बात है और कहानी कहीं और चली गई बट अभी तक उन्होंने उसको रेलिमेंट रखा हुआ है एंड आई होप कि जब भी इस जिर्गे का फैसला हो हिलमन को गग के ऊपर सजा जरूर मिले ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल वो बनती है उसकी सजा क्योंकि वह इसका मतलब है कि फिर आपने वाकई में नाजायज किया और हाँ, सब को सौ कोड़े भी मारे सौ कोड़े, कोड़े तो एक सौ बीस कोड़े उसको और हिलमन ने गो के ये कहा कि मैंने गग किया था जैसे बकरी को देते हैं बेट लेकिन फिर भी ना किया तो था ना किया किया तो तो था ना एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो ये बड़े वेरी गुड एपिसोड यार बड़े मजे की किस्ती बड़ा मजा आया एक्चुअली इट्स इट्स द वो जो बिल्ड अप होता है ना चीजों का वो आप बड़ा हिट और मिस होता है अगर आप किसी एक चीज का बिल्ड अप कर रहे हो और फिर वो एक्सपेक्टेशंस मीट ना करे तो फिर आपको होता है कि यार ये तो ठुस हो गया तो वो जो बिल्डअप था लीडिंग टू वॉट वी सॉ ट्रांसपायरिंग

बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक शानदार किस फ्रॉड की स्टार्टिंग फ्रॉम द डायरेक्टर साकिब खान टू द राइटर अंजबील आसिम टू द एक्टर सबा कमर एहसन खान महमूद असलम साहब एवरीवन आई थिंक सब ने बहुत जबरदस्त काम किया सैफी भाई सब ने सब का बड़ा शानदार काम था बहुत मुझे मजा आया ये किस दिन बहुत मजा आया आप और खास मेरा एंटिसिपेट कर रहे थे कि इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा अनफोल्ड नहीं मुझे नहीं लगा था हाँ, लेकिन आई स्टैंड इन मिस्ट्री का एलिमेंट रखते और ये एकदम अब हुआ होता और नहीं, ड्रामे, नहीं, का right, नाम right, ड्रामे का नाम फ्रौड ना, फ्रौड होता, ना होता ये बिल्कुल स... ना होता और अब ये गायब हो जाते तो हम सब कहते यार कि ओए, 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 क्या मारा यार क्या मारा मगर अब तो हमें पता था कि ये होगा हमें पता लग गया स्पेशली यू नो

कैरेक्टर uh, का वो वो हर बात सही कर रहा है मतलब कि नाश्ता भी भी नहीं इसने लाने दिया भी गया मगर फिर उसे चेक लेना था आई इट वाज जस्ट एडिंग अप वेरी 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 वेल स्मूथ स्मूथ एंड आप in, in अगर, in अगर आप अगर अगर माया की जगह होती, तो की कोई uh, मुझे अच्छा तो ना लगता? ना लगता? अच्छा तो ना लगता तो ना लगता बट उन्होंने ये किया कि उन्होंने दिखाया कि

मेरे ख्याल है कि माया की भी वजह है लेकिन शी इज टू शी, शी वाज शोन टू तो बी टू स्वीट टू से एनीथिंग हम सारा हां उसने पूछा भी उसने उससे पूछा कि मैं क्यों नहीं मैं क्यों नहीं जा रही लाहौर क्यों नहीं मैं जा रही अब मेरा और... सिर्फ इस सारे एपिसोड में मसला ये है कि एसन जो है ना वो पूरा पूरा तबरेज लगता है कि वो एक मैच्योर शख्स है जो कि कई सालों से ये फ्रॉड कर रहा है और बार-बार कर रहा है और खुदा जाने कितनी शादियां कर चुका है और कितनी लड़कियों को इस तरीके से uh, चीट कर चुका है सबा परफॉर्मेंस इज अनफ्लॉर्ड कंप्लीटली बट सबा डजंट लुक लाइक अ नाइफ 24 ईयर ओल्ड दैट्स माय ओनली प्रॉब्लम वो लगता है जैसे कि माया को समझ जाना चाहिए था बिकॉज़ माया मैच्योर इनफ लगती है मगर आई थिंक यू राइटली पॉइंटेड दैट आउट शी इज नॉट नाइफ आई डोंट थिंक शी इज नाइफ

इस एपिसोड के प्रोमो में हमें बता दिया था कि वो 20 लाख रुपया दे देती दे है और कहती है कि मुझसे ले लो exactly. लेकिन you इस एपिसोड में उन्होंने दिखाया नहीं नहीं दिखाया है दिखाया है नहीं वो कब कहती है कि मेरे से ले लो 20 लाख रुपया नहीं. नहीं कहती वो कॉन्वर्सेशन नहीं उसके बाद हम कट टू डाइनिंग टेबल पे चले नहीं, जाते, नहीं, जाते हैं और वो वो एपिसोड वो कन्वर्सेशन होती है जब सास कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ 30 30 लाख है बिकॉज़ माया का जेवर के बाद वो कहता है उसके हां हाँ उसके बाद वो कहता है कि मैं अच्छा चले मैं फोन करके बैंक से ले लेता हूँ और हम देखते हैं माया का एक्सप्रेशन माया का एक्सप्रेशन बट माया कहती नहीं है कि मेरे से ले लो वो हमने पिछले बार प्रोमो में देखा था मगर मेरी ख्याल बेडरूम में जाके दे देती है उसे बिकॉज वो कहता ना कि मैं तुम्हारा बैंक में जमा करा दूंगा या कुछ हाँ शायद एग्जैक्टली exactly वो उससे अगेन यूर एब्सुलटली राइट की एक तो ओ दूसरा नाम ऑफ द ड्रामा तीसरा जो आपने टीजर्स में दे दिया ये स्टोरी आपने मतलब है कि उसका जो पंच लाइन थी ना वो आपने लूज कर दी तो ये नहीं करना चाहिए और स्पेशली जब आप टीजर्स देते हैं प्रोमोज फॉर द नेक्स्ट एपिसोड उसमें इतनी बड़े रिवील्स ना किया करें कि हमें अब पता हो कि अगले एपिसोड में क्या होना है अब देखे ना संगे माँ संगे माँ की नेक्स्ट एपिसोड रिवील है कुछ नहीं पता चल रहा है उसमें आपको ये पता है कि जरगोना पहुँच जाएगी जारसंगा पहुँच जाएगी जिर्गे में बट होगा क्या यू डोंट नो

कि नहीं यार ऐसा नहीं होता आजकल की ऑडियंस का इंटरेस्ट बरकरार हो जाता है अगर ड्रामा अच्छा है पहले की फिल्म की भी तो पूरी स्टोरी आप ट्रेलर में नहीं देते ना वर्ड ऑफ माउथ से ही लोग देखना शुरू करते हैं तो ड्रामो में भी थोड़ा सा चैलेंजिंग ये होगा लेकिन रिस्क लें यार और पूरी कहानी मत अगर स्पेशली उसमें इस तरह का ट्विस्ट है तो ना बताएं यार थोड़ा सा रहने दें देंट्री बिल्ड करें सस्पेंस बिल्ड करें

you're you're giving 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 away away too you're much. Away too much much शान शान जो, हाँ जो, होगा, होगा, जो है वो इस गांव से अभी तक नहीं निकला और रोटी खाते हुए अपनी अम्मी को कहता है प्लीज आप बस कर देखने मामू के बारे में सुनना नहीं चाहती बात बात करे

मगर फिर मैं माजरत नहीं भी करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने जो ट्रैक डाला था वो पूरी हलूसनेशन का वो बहुत खेंचा था बीच में जहाँ हमने इंटरेस्ट लूज़ किया वरना आफ्टर वाचिंग द लास्ट एपिसोड आई हैव टू से दैट द प्रेमस एंड द स्टोरी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग और और ये आखिरी एपिसोड में इनकेप्सुलेट हो जाती है सारी I agree with you absolutely. Over आई एब्सोलूटली अग्री विद यू आमना ये ज्यादती होती है हमारे व्यूवर्स के साथ हमारे एक्टर्स के साथ के जब एक आप ड्रामे को इतना खींच देते हैं जी। कि उसकी सेंट्रल उसका जो प्लॉट होता है जी। उस पर से फोकस हट के कहीं और चला जाता है और जो ऑडियंस है वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं बिल्कुल अब देखे ना अजलान की एक्टिंग हो या युमना की एक्टिंग हो हमने उनकी जो कैरेक्टर uh, आर्क्स थे उनकी ग्रोथ देखी नहीं उस हिसाब से कि हम अप्रिशिएट कर पाते हैं ट्रू मायनों में उनकी परफॉर्मेंस जी बिल्कुल ठीक है अगर उनकी वीकनेसेस थी परफॉर्मेंस में या लैप्स थे वो आप बाय द एंड ऑफ द लास्ट एपिसोड यू टेंड टू अप्रिशिएट अजान आज, आज, एज आज वेल एज युग्ना जी बिल्कुल so uh, wo jati hoti hai but uh, having said all of that i think uh, as you rightly pointed out the premise the story the messaging it was excellent the it most important well thing hasan is that they gave you so many motivational characters आप देखिए मैं सर गिन रही थी उस दिन बैठी हुई कि शनाया वॉज अ मोटिवेशनल कैरेक्टर शनायाज मदर वॉज अ मोटिवेशनल कैरेक्टर अज़लान्स मदर इज मोटिवेशनल मतलब वो इतनी अच्छी सास दिखाई हुई है इतनी अच्छी माँ बताई हुई है सॉफ्ट स्पोकन जेंटल फैट फैंटेस्टिक सबसे ज्यादा जरूरी जो अजका की अम्मा होती है यार आप उस औरत का देखिए स्ट्रेंथ के वो विडो है उसने अपने बच्चे पाले डिग्निटी के साथ उसने उसका बेटा मर गया उसने फिर भी आ, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी उसकी अ, अपनी बहू की उसने शादी कराई दोबारा सो यूर इनकरेजिंग यू नो विडोज़ टू गेट मैरिड अगेन वो अपनी बहू एंड यू नो फिर उसकी बेटी Uh, जब उनके पास खाने को नहीं था शिक्ड ईजिली सेट कि तुम आबिद से शादी कर लो कम अज़ कम हमारा रिस्टोर हो जाएगा फाइनेंशियल पोजिशन वो नहीं करती वो कहती नहीं तुम पढ़ोगी और वो अल्लाह की तरफ से मदद आ जाती है बट सच एन इंस्परेशनल कैरेक्टर वेदर इट्स कम वल ठीक है शुरू में थोड़ी सी वो थी नास्टी uh, लेकिन ठीक हो जाती है सो रियली गुड सेट ऑफ कैरेक्टर्स अज़ला की जो आँख बताई हुई है वो इतनी खूबसूरत है जिस तरीके से वो स्परिचुअलिटी की तरफ सेल्फ डिस्कवरी की तरफ आता है इट्स वेरी बिलीवेबल ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट में उसको ले आता है नहीं वो आहिस्ता आहस्ता आहस्ता ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द इंटायर ड्रामा वो आता है एंड द लास्ट एपिसोड जिस नेल रेड इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉग मुझे बहुत अच्छी लगी एंड ऑफ कोर्स दैट वन सीन जब वो तलाक के लिए बैठते हैं और वो साइन कर देती है और फिर वो कहता है मैंने अपनी बीवी से बात करनी है एंड वो उसका हाथ पकड़ना और उससे कहना मोहब्बत की आ, आ, मतलब एडमिट करना इट वाज ऑल वेरी रोमांटिक एंड वेरी गुड फाइनली अस्का के चेहरे पे स्माइल आना जी फाइनली अस्का के चेहरे पे मुस्कुराहट आना वो सब कुछ बहुत अच्छा था अच्छा मुझे लेकिन इस पे, इस, इस, इसके बाद मुझे दो एतराज हैं जी इतराज़ मेरा ये था कि अब आपने दिखा दिया है कि जो अजलान है उसने अपनी मोहब्बत डिक्लेयर कर दी एसका को ही इज इन लव विद Should शुड scene नेक्स्ट सीन हैव कट टू द कब्रिस्तान? आई डोंट थिंक सो I don't think so. Because मुझे ऐसा लगा कि प्रिंसेस डहैना की तरह देर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ थर्ड पर्सन इन दिस मैरिज कि कुछ भी हो जाए इन दोनों को खुशी नसीब नहीं होगी हमेशा शनाया इज गोइंग टू बी अराउंड तो दिखाते हैं जरूर ऑफ कोर्स शनाया वुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ देयर लाइव्स बट आई थिंक आफ्टर दैट रोमांटिक सीन जब uh, उसका हाथ पकड़ता है वो मुस्कुराती है इट शुड नॉट हैव गॉन स्ट्रेट टू द कब्रिस्तान इट वाज अ अ बिट ऑफ डिफ्लेशन आई फेल्ट और इवन जो आखिरी सीन दिखाते हैं कि जी वो खुशी खुशी घर आए हैं और वो हाथ में हाथ डाल के और वो बातें कर रहे हैं और फिर लास्ट सीन इज विद द मदर अगेन

ठीक है और उन्होंने अपना खुदाफिज का रिस्पेक्ट दी और उसके बाद वो मूवन कर गए अपनी जिंदगी में मगर अपनी जिंदगी में, में फिर भी नहीं अगर वो दिखाते ना कि वो लास्ट रिस्पेक्ट दे के और फिर उन वादियों में चले गए हैं जहाँ शनाया और अजलान होते हैं और हमें वही हाथ, हाथ पकड़ के हाथ और वही हमें दिखाते हैं कि यू नो वो कागान की वादी और वहाँ इन हैंड, हैंड वॉक कर रहे हैं और जाते जाते हैं कहीं और जाते है हाँ। तो मैं कहती कि बिल्कुल ठीक है ये क्लोजर मिल गया मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई और ऊपर से फिर आपने लास्ट सीन वालदा के साथ दिखा दिया We know that Aska is going to love the mother and take care of her. We know the mother will be happy. we know Aslan will be happy, but after that declaration of love, I wanted to see a little bit of romance blossom between Aslan and Aska fair point Haan. fair point Haan. i I agree with you that they left us. Wanting, wanting more, more of, more. of Azlan मतलब मुझे ऐसा लगा कि फिर जो दो धागे उनको बांध रहे हैं वो एक शिनाया और एक माँ मगर मैं उनको इंडिपेंडेंटली देखना चाहती थी। दैट्स माय ओनली ग्राइप अदरवाइज इट वाज अ वेरी गुड एपिसोड एंड इट वाज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल एंड अगेन आई अपोलोजाइज फॉर नॉट वाचिंग ऑल ऑफ इट ऐसे ड्रामे जिसमें साहस नहीं, नहीं, नहीं साहसोजाइज

उनकी परफॉर्मेंस को लेके काफी हमने कंसर्न्स अपने शो किए बट बाय द एंड ऑफ इट और मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग भी लगी आपके इंटरव्यू में मैंने अजान को सुना ये कहते हुए कि इश्के ला के बहुत सारे जो एंड के जो पहले, पहले की है, लास्ट सीन से, से वो पहले शूट किए हुए तो ऐसा नहीं है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अजान अजान की एक्टिंग है वो अच्छी हो गई थी यू नो सो अनफॉर्चुनेटली बुरा भी नहीं था वेरी बेस्ट आई होप टू सी अगेन स्क्रीन यमुना के बारे में क्या तारीफ करनी यमुना हमारी शहजादी है बहुत अच्छा काम करती है हमेशा जो भी काम करती है और अजका के किरदार को लेके भी उनके आर्क

कैफी की। इतनी ही। कैफी की बड़ी ही। उनका अच्छा, काम था। सीमी अच्छा, अच्छा।, काम अच्छा। की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि इस एपिसोड में शी बेरली यार उनकी आंखों में एक्सप्रेशन था आपको हर वक्त पता चलता था एग्जैक्टली exactly अम्मा सोच क्या रही हैं एंड यू नो हर इट वॉज सो पावरफुल दैट परफॉर्मेंस हम मेरे हमने में मोमिना की आंखों की बात कर रहे थे ना ये, ये। आंखें तो आप, आप, आप यमुना की देख लें इतनी हाँ। दफा इतने सीन थे जिसमें यमुना ने कोई डायलॉग नहीं बोला स्पेशली जब यू you नो know, कंवल और अम्मा घर आते है तुम कॉन्ट्रैक्ट की शादी खत्म करो अजलान साहब खेच रहे हैं एंड द मदर ओवर

No, पूछ आप ना, ना, आप को देखने को मिल रहा है क्योंकि हम संगे माँ किस्त छोड़ना नहीं चाहते थे जी. तो संगे माँ संडे को आता है रात को आपको लेट हो जाता है तो हमने इसलिए आपको मंडे की बजाय ट्यूजडे को ये रिव्यू दिया है और अगले हफ्ते भी पूरी कोशिश करेंगे की जो हमारा मंडे ट्यूजडे किसी भी जो भी रिव्यू आएगा वो भी हम संगे माँ इंक्लूड करके करें क्योंकि वरना संगम को फ्राइडे पे ले जाना बड़ी ज्यादा होती है के साथ व्यूवर्स के साथ साथ और हमारे साथ भी क्योंकि वो फ्रेश फ्रेश रिव्यू करने का ही मुझे और आमना को आप इजाजत दीजिए और हमारे रिव्यूज के ऊपर अपने फीडबैक हमें जरूर आगाह कीजिएगा मैं और हमें आपसे मिलेंगे बहुत जल्द तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि जेलम में जल्दी से बारिश हो जाए खुदाफिज